अफगानिस्तान से अमेरिका फौज की वापसी के बाद तालिबान की जीत पर आतंकी संगठन अलकायदा ने बधाई दी है। अलकायदा ने तालिबान को बधाई संदेश में कहा कि इस्लाम के दुश्मनों के चुंगल से कश्मीर और अन्य इस्लामी भूमि की मुक्ति करने का आह्वान किया है। अलकायदा की बधाई संदेश ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी सेनाओं के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद तालिबान ने ऐलान किया कि अफगानिस्तान ने पूर्ण आज़ादी हासिल कर ली है। इसके कुछ ही घंटे बाद आतंकी संगठन अलकायदा ने तालिबान को बधाई वाला संदेश भेजा। अलकायदा ने तालिबान को भेजे बधाई संदेश का शीर्षक दिया है, इस्लामिक उम्मा को अफगानिस्तान में अल्लाह द्वारा दी गई आज़ादी मुबारक। ओ अल्लाह, लेवंत, सोमालिया, यमन, कश्मीर और दुनिया के अन्य इस्लामी जमीनों को इस्लाम के दुश्मनों से आज़ाद कराओ। ओ अल्लाह, दुनिया भर में मुस्लिम कैदियों को आज़ादी दिलाओ। अलकायदा ने अपने संदेश में आगे लिखा है कि हम सर्वशक्तिमान अल्लाह की तारीफ करते हैं कि उसने अविश्वास के मुखिया अमेरिका को अपमानित किया और उसे शिकस्त दी। हम उनकी तारीफ करते हैं कि उसने अमेरिका को तोड़ दिया और इस्लाम की धरती अफगानिस्तान पर उसे शिकस्त दी। जानकारों के मुताबिक इस संदेश के चलते भारत में आतंकी गतिविधियां बढ़ने की आशंका को नकारा नहीं जा सकता है। इस बीच भारत के लिए अलकायदा का ये संदेश इसलिए भी तनाव देने वाला है क्योंकि अफगान में तालिबान के सत्ता के बाद से ही कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ गई हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अचानक से कश्मीर में कई आतंकवादियों ने घुसपैठ की है। वहीं पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में कई आतंकी तालिबान की जीत का जश्न मनाते भी देखे गए हैं। देखना ये होगा कि भारत और तालिबान की बातचीत के बाद तालिबान अलकायदा कैसे रोकता है। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।